गाइस वेलकम बैक टू क्रिप्टो गाइड। वेल दोस्तों, फाइनली जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा जो पहला टारगेट था बिटकॉइन का $48,000 का, वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है $50,000 का। एंड आई नो मार्केट जो है स्टिल लुक्स बुलिश, बट 100% कंफर्म नहीं है कि ये बहुत ज्यादा बुलिश हो गई है, तो ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स फटाफट से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लाइक 20% 50% इन इसकी के बीच में, और मैक्सिमम 100% अगर आप देखना चाहो तो। अदरवाइज मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, अप टू 50% के पास शॉर्ट टर्म सिनेरियो में जैसे ही आपको प्रॉफिट मिले, देन यू गाइज नीड टू बी बुकेट। और बिटकॉइन का प्राइस जैसे ही $50,000 से लेके $53,000 के आसपास जाता है, दैट शुड बी रियली अ वेरी क्रिटिकल जोन। अगर इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा ना भाई, तो याद रखना बिटकॉइन जो है बहुत ही बुरे तरीके से डंप होगा। अगर ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही खतरनाक तरीके वाले से पंप भी होगा। तो इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे ओल्ड कॉइन्स जो आपको शॉर्ट टर्म में तो नॉट श्योर, बट मिड टर्म में आपको प्रॉफिट दे सकता है, ओनली इफ BTC रिमेन्स स्टेबल। ओके, तो गाइज वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज यू गाइज विल गोइंग टू बी लर्न अ लॉट। एंड छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसे ही कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला कॉइन था, वेल रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले मैंने आपके साथ वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया था Titan Arena, अराउंड आई थिंक नियर अबाउट $1.5 के आसपास इसको शेयर किया था मैंने। लेट मी चेक, $1.5 के आसपास इसको, यस $1.5 के आसपास इसको शेयर किया था। कहा था आपसे कि भाई ये उड़ेगा जैसे इसकी कोई न्यूज आती है, तो उसके बाद जो है ना ये चला गया नियर अबाउट $3.5 के आसपास। मोर देन 100% प्रॉफिट हमने अच्छे से लिया था, और मैंने यही कहा था दैट टाइम अगली कुछ वीडियोस के बाद 100% प्रॉफिट हो गया है। तो अब क्या कीजिए, आप अपना 50% कॉइंस जो है वो सेल कर दीजिए और 50% जो है होल्ड कीजिए फॉर द मोर गेम्स। नाउ इसकी एक न्यूज आने वाली है शॉर्ट टर्म में कि बेटा फेज है गेम का, वो रिलीज करने वाली है टीम, तो जिसके कारण पॉसिबिलिटी है जब भी कोई गेम रिलीज करता है अपना बेटा फेज या फिर अपना फुल लॉन्च करता है, तो प्राइस में स्पाइक देखने को मिलती ही मिलती है। अगर लास्ट डंप इसका देखा जाए तो नियर अबाउट $2.5 के आसपास था, नाउ दिस वन इज ट्रेडिंग अराउंड $3.7। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइस, अगर टीम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है प्रोजेक्ट का और अच्छी अच्छी अपडेट्स टाइम टू टाइम लेकर आती है, तो भाई दिस वन कुड बी द नेक्स्ट एक्सी इन्फिनिट। बट सारा काम डिपेंड करता है टीम पे, जितना ज्यादा और जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे डेफिनेटली ये अच्छा खासा रिटर्न देगा लॉन्ग। बट शॉर्ट टर्म में अगर आपको 100% प्रॉफिट मिलता है, देन डेफिनेटली मैं हमेशा रिकमेंड यही करता हूँ कि 50% कॉइन्स सेल आउट करके अपना इनिशियल आउट निकालिए और रेस्ट कीजिए, होल्ड कीजिए कॉइन्स को 50% फॉर द लॉन्ग रन फॉर मेगा गेन्स। चलिए दूसरे कॉइन की बात कर लेते हैं, एम बॉक्स। राइट नाउ इसका प्राइस चल रहा है $5.65। अगर इसका देखा जाए, रिसेंटली इसने फॉलिंग वेज पैटर्न जो है ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर दिया है, और इसका मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ पहला $6.45 के आसपास, और सेकंड जो टारगेट रहेगा $7.56 के आसपास। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म सिनेरियो के बेस में मैं बता रहा हूँ मोबॉक्स का। चलिए बात कर लेते हैं रारी। दिस वन वॉज समथिंग स्पेशल फॉर मी, बिकॉज 2021 में ये पहला कॉइन था जिसने मुझे 40x का रिटर्न दिया था। मैंने $1.5 पे ये कॉइन शेयर किया था सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे, और इसने $50 टच किया, तो गाइस वी मेड लाइफ चेंजिंग गेन्स। नाउ शॉर्ट टर्म सिनेरियो में मैं कह सकता हूँ कि ये इजी $30 के आसपास जा सकता है, देन कोशिश कीजिए इसको बाय इन पार्ट्स करने की, $13 से $18 के आसपास बाय इन पार्ट्स कीजिए, एंड डेफिनेटली $30 के आसपास देखते हो सेल कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए आपको 50% के आसपास, विच इज़ अ गुड थिंग, हमेशा ये रिटर्न देता है अच्छा खासा। उसके बाद एक्रोपोलिस, भाई ये भी अच्छा खासा जा सकता है। इसकी करंट प्राइस की बात की जाए, मैं हमेशा इसकी सतोशी में प्राइस की बात करता हूँ, राइट नाउ इसका प्राइस चल रहा है 57 सतोशी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम 75 सतोशी एज सून एज पॉसिबल, और अप टू 100 सतोशी के आसपास इन शॉर्ट टर्म सिनेरियो। ओके दैट्स इट गाइस, यही 3-4 जो प्रोजेक्ट्स मुझे आपके साथ शेयर करने थे, एंड आई होप, रिमेंबर वन थिंग गाइस, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज डू योर ओन रिसर्च, बिकॉज पैसा जो आप लगाने वाले हो, यू गाइज आर रेडी टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस और प्रॉफिट, बिकॉज आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दैट्स इट गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, कीप अर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।